इस वक्त हम आ चुके हैं उस छत के नीचे जिसमें कमरे के भीतर लटकती हुई लाश शाम को मिली थी, जब यहाँ पर उनके तमाम भक्तजनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसके बाद नहीं निकले। आप देख पा रहे हैं यही वो दरवाज़ा है, इसको खोल के फिर अंदर के दरवाजे को तोड़ा गया। ये बाहर वाला दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अंदर अभी इसको सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर इस दरवाज़े को सील कर दिया गया है। एक ही कमरा है, इसको ज़ोर से धक्का दिया गया तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने धक्का दिया था वो टूट गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको थोड़ा सा दिखाएँ। ये ऐसा लग रहा है कि जब मशक्कत की गई थी यहाँ पर, फिर इस दरवाजे को तोड़ने की, क्योंकि काफ़ी मजबूत ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। नीचे तक देखिए, नीचे का भी हिस्सा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन संजय। नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और इसके बाद जब कई लोगों ने धक्का दिया तो उसके बाद ये दरवाज़ा खुला और फिर अंदर महाराज जी की, महाराज नरेंद्र गिरी जी की लटकती हुई लाश मिली। एक ये भी दरवाज़ा है उसी कमरे के अंदर जाता है। यहाँ के महंत हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, कितना समय हो रहा था कल जब ये मामला आया? तो ये मामला वही जब महाराज जी को मंदिर जाने का होता है समय, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक मंदिर पहुंच जाते हैं, आरती होती है, तभी ये मामला हुआ। अच्छा, आप लोग दरवाज़ा खटखटाने आए, जब वो नहीं खोले तो फिर उसके बाद यहाँ पर धक्का दिया गया। ये मैं देख पा रही हूँ कि इसको क्या तोड़ने की कोशिश हुई थी, ये किनारे किनारे लकड़ी निकली। हाँ, उसको तोड़े हैं। हाँ, किस चीज़ से तोड़ा गया है? ऐसे ही धक्का दे करके 5-6 लोग जो है। अच्छा, 5-6 लोग इसको धक्का दे करके तब फिर तोड़े। हाँ, अंदर फिर टूट गया था। अंदर तोड़े तो देखे तो महाराज जी जो है लटके हुए। तो ये वाला दरवाजा नहीं बंद था, ये जाली वाला? नहीं नहीं, ये नहीं बंद था, अंदर वाला नहीं बंद था, केवल अंदर वाला एक ही दरवाजा बंद था। और ये दूसरी तरफ, ये भी उसी कमरे के? जी, उसी कमरे का है दोनों। कितने कमरे हैं अंदर? पूरा एक हाल टाइप में है, उसी में जो है रहने की पूरी व्यवस्था है। महाराज जी इसी में रहते थे? हाँ, जब नहीं रहते तो ऊपर वाले में है। हाँ, कोई VIP लोग आते थे तो यहाँ मिलते थे, जब ज्यादा लोग आ जाते थे दोपहर में जब उनको विश्राम करना रहता था तो कहाँ जाते थे? ऊपर वाले में करते, इसमें नहीं जाते थे। तो कल संदेह नहीं हुआ कि महाराज जी इसमें, जब ये मेहमानों का कमरा है तो उन्होंने कहा कि कोई आने वाला है, किसी से मिलने वाले थे? किसी से मिलने वाले कहे तो यही वहाँ के हो जाने। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक दिन पहले आज तक के कार्यक्रम में जो इस तरह से शामिल हुए हों, एक दिन के बाद इस तरह से उनका लटकता हुआ पार्थिव शरीर मिलेगा। यहाँ पर जो संत समाज के बड़े बड़े धर्मगुरु आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो जिस प्रवृत्ति के आदमी थे, जितने सशक्त थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि अगर ये सुसाइड नहीं है तो हत्या है, और अगर हत्या है तो इसके पीछे कौन है, और अगर सुसाइड है तो सुसाइड के लिए वो कौन सा शख्स है जिसने उकसाया है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि 7 पन्नों के सुसाइड नोट का जिक्र पुलिस की ओर से बार बार किया जा रहा है, उस सुसाइड नोट में कुल कितने नामों का जिक्र है, कौन कौन से वो नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं।